और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत छोटे छोटे से वीडियो होते हैं मेरे। और एक कमेंट में मैंने मेरे वीडियो में एक लेडीज ने कमेंट किया था, लेडीज है या जेंट्स पता नहीं क्या, ओ, कुछ उनका वीडियो था, गेमिंग पे था वीडियो, तो उन्होंने कहा था कि नाइटी में कौन वीडियो बनाता है। तो मैं जो बनाती हूँ, मैं घर में रहती हूँ और मैं घर का ही बनाती हूँ, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैं दूसरे कपड़े नहीं पहनती, मैं जैसे रहती हूँ मैं वैसे ही दिखाती हूँ। ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाने के लिए मेकअप सेकअप या अपने आप को, मैं जो हूँ मैं वही तो दिखाऊंगी जैसे रहती हूँ, जो क्योंकि ये ब्लॉगिंग है, अपने घर का है, जो जैसे हम रहते हैं, जैसे खाते पीते हैं, जैसे बोलते हैं, वही तो दिखाती हूँ मैं सिर्फ वीडियो। और मुझे लगता है कि हर कोई अपने घर में कम ऐसे कपड़े पहनता है जो उनके लिए कंफर्टेबल हो, मैं भी वही पहनती हूँ जो मेरे लिए अच्छा है। मैं जब नीचे जाती हूँ अपने रूम से, अपने घर से, तब मैं कपड़े चेंज करके जाती हूँ, लेकिन जबकि मैं ऊपर रहती हूँ और गर्मी का समय है, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ, तो और दूसरे कपड़ों में मैं मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता, इसलिए मैं नाइटी में ही रहती हूँ। और घर में तो सभी अपने, मुझे लगता है कि ऐसे ही कपड़े पहनते होंगे जिसमें उन्हें अच्छा लगता हो। तो अगर अगर आप लोगों को अच्छा ना लगता हो वो उसमें नाइटी में, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं साड़ी या सूट में ही आऊं। धड़ाक तुम धड़ाक घूमने चले ले लद्दाख, आलू की बोरी गाड़ी में छोरी, मिट्टी का तिल बुकर कटोरी, भाई साहब जी हम नाली के आलू, भाई साहब जी धड़ाक तुम धड़ाक घूमने चले ले लद्दाख, आलू की बोरी गाड़ी में छोरी, मिट्टी का तिल बुकर कटोरी, भाई साहब जी हम नाली के आलू। युग जिया सुललन भवन के भाग जागल हो, ललना लाल हो फुलवा के दीपक, मन मामी आस जागल हो। तो आपको मेरा थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। राधिका को बेबी बॉय हुआ है, उन्होंने अभी पुष्टि नहीं किया है, लेकिन उन्हें बेबी बॉय ही हुआ है, सबको पता चल ही गया। और तीसरा बेबी तो मेरे पास भी है, मैं दिखाती हूँ। अच्छा मेरा बेबी, मेरा क्यूटी पाई मेरे पास है, एक मेरे पास भी क्यूटी पाई है, गोए गोए कटा है, बोलो बोलो, मैं मिमी का क्यूटी पाई हूँ, मैं मिमी का क्यूटी पाई हूँ, ये मेरा क्यूटी पाई है, मेरा बेबी है। मैंने कई लोगों के कमेंट पढ़े हैं जो अपने कमेंट में लिख रहे हैं कि दूसरा बच्चा है तो तीसरे बच्चे की क्या जरूरत थी, तो कुछ हद तक सही है, दूसरा बच्चा है तो तीसरे बच्चे की क्या जरूरत है आज के डेट में, लेकिन जरूर उनकी कोई मजबूरी रही होगी जिससे तीसरा बच्चा, अगर मान लीजिए कोई हर बच्चा अपनी किस्मत से आता है, हाँ ये सही बात है, मैं भी मानती हूँ कि आज के ज़माने में दो तीन दो से ज़्यादा तीसरा और चौथे की जरूरत नहीं है, लेकिन तीसरा बच्चा हो गया है, जब वो धरती पे आ गया है तो बस हमें उसके लिए अच्छा अच्छा ही बोलना चाहिए, भगवान करे वो बच्चा बहुत अच्छा करे अपने जीवन में और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि जो चला गया आप सोच उसके लिए करते हैं, जो आया है उसका स्वागत करते हैं, तो मैं तो उन्हें बधाई ही दूंगी। और ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, मुझे नहीं पता है, क्योंकि पढ़ते कम है और मस्ती ज्यादा करते हैं, और इस रूम में लाइट नहीं है, मैं लाइट जला लेती हूँ, शाम हो गया है, और संडे को मैं मार्केट गई थी तो कुछ सामान लेकर आई हूँ, बच्चों के कपड़े, सिर्फ बच्चों के ही कपड़े लेकर आई थी, तो वो मैं दिखाऊंगी।